दिसंबर 2016 में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है फंक्शंस के ऊपर है। फंक्शंस की हमें है ना सीक्वेंस दी हुई है, तो फंक्शंस की सीक्वेंस के ऊपर उसने क्वेश्चन किया है। उसने फर्स्ट ऑप्शन दिया है देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ एफ एन। एक तो सब सीक्वेंस का जिक्र है, और सब सीक्वेंस कैसी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। दूसरे ऑप्शन में कहता है नो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तीसरे में कहता है एफ एन कन्वर्जिज पॉइंट वाइज एवरीवेयर। फोर्थ में कहता है एफ एन हैज एग्जैक्टली वन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो हमें यहाँ पर है ना एक तो सब सीक्वेंस की नॉलेज होनी चाहिए, एक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट क्या होती है। पहले मैं इन दोनों बातों को क्लियर करता हूँ। सब सीक्वेंस क्या होती है, सब सीक्वेंस लेट ए एन बी ए गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस इफ ए एन के ये कोई सीक्वेंस है इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट इज एन वन स्ट्रिक्टली लेस देन एन टू स्ट्रिक्टली लेस देन एन थ्री .. सो ऑन, देन सीक्वेंस ए ऑफ एन के दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड ए सब सीक्वेंस ऑफ ए एन। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है ए टू एन, ये सीक्वेंस है कोई, और एक टू ए टू एन माइनस वन सीक्वेंस है, और एक ए एन स्क्वेयर सीक्वेंस है। ये है ना और आर ऑल सब सीक्वेंसेस ऑफ ए एन। दूसरा एग्जाम्पल, द सीक्वेंसेस टू फोर सिक्स एट .. वन थ्री फाइव सेवन .. और वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव .. ये सभी है ना आर ऑल सब सीक्वेंसेस ऑफ एन। ये नेचुरल नंबर का जो सब सीक्वेंस बनता है ना उसकी सब सीक्वेंसेस है। रिमार्क्स नंबर वन, द टर्म्स ऑफ ए सब सीक्वेंस अकर इन द सेम ऑर्डर इन विच they are in the original sequence. Number two, every sequence is a subsequence of itself. Number three, The interval in the various terms of a subsequence need not be regular. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आप लोगों को कि मैं नेचुरल नंबर के सीक्वेंस उठाई, उसके सब सीक्वेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा
ये सीक्वेंस है नेचुरल नंबर की, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। मैंने इसके सब सीक्वेंसेस ढूंढने की कोशिश करी, मैंने 1 3 5 उठाया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उठाया, फिर मैंने 2 4 6 8 उठाया था, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में उठाया था। मैं यूँ भी उठा सकता हूँ, इंटरवल जरूर नहीं रेगुलर नहीं, 1 3 फिर ले लो 4 फिर ले लो 6 फिर ले लो 11 फिर ले लो 25, तो इंटरवल रेगुलर बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसे उठाता है 1 3 5 फिर 2 उठा लेता है, फिर 8 फिर उठा लेता है 6, ये सब सीक्वेंस नहीं बनेगी, क्योंकि सब सीक्वेंस में ना ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, ट्रमे आगे से उठेंगे, क्योंकि तभी तो मैंने कहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये सब सीक्वेंस का कंसेप्ट है। अब मैं चलता हूँ जो डेफिनेशन है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट की। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का जो कंसेप्ट है वो फंक्शंस की सीक्वेंस पे लागू होता है। देखो f है, ये फंक्शंस की सीक्वेंस है, कन्वर्जिज पॉइंट वाइज टू द फंक्शन f ऑन i इफ एंड ओनली इफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी f n x इक्वल टू f x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। जो ये एफ एक्स है ना, इसको हम बोलते हैं लिमिट फंक्शन, लिमिट फंक्शन, और द पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ एफ एन एक्स इस सीक्वेंस की आई इंटरवल के ऊपर, यूं बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल है, मान लो कोई सीक्वेंस है x की n है, फंक्शंस का है, और x बिलोंग कर रहा है 0 to 1, तो यहाँ पर जो f n x है ना, वो x रेज टू पावर n है, f x क्या आएगा, f x आएगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी f n x, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n। अब है ना, ये x पर डिपेंड करेगा, अगर x हुआ 1 तो ये आ जाएगा 1, अगर x हुआ कोई भी नंबर 0 और 1 से लेस तो ये आएगा 0, तो मुझे ना एफ एक्स मिल जाएगा। एफ एक्स क्या मिलेगा, 0 और 1, ये मिलेगा x 0 टू 1, ये मिलेगा जब x है 1। तो इसका मतलब है जो एफ एन एक्स है कन्वर्ज कर रहा है एफ एक्स के ऊपर पॉइंट वाइज, अगर मुझे लिमिट फंक्शन ऐसा मिल जाता है तो अब हमें ना अपने क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है, एफ एन एक्स है माइनस एक्स रेज टू पावर एन। तो अगर सीक्वेंस देखा जाए, सीक्वेंस ये है, अगर सीक्वेंस को मैं खोल के लिखूं तो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस हमें दे रखा है माइनस एक्स रेज टू पावर एन, ये सीक्वेंस दे रखा है। इसको मैं यूं भी ले सकता हूँ, एन को 1 दो माइनस एक्स, एन को 2 दो एक्स स्क्वेयर, एन को 3 दो माइनस एक्स क्यूब, एक्स को 4 दो एक्स की 4 डॉट 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 डॉट, यूं चलता रहेगा। अगर मैं इसके सब सीक्वेंसेस बनाऊँ, सब सीक्वेंसेस कौन कौन से बनेंगे, एक तो मैं ओड नंबर ऑफ टर्म्स को उठा लूँ, एक तो ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स की 5 डॉट 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 डॉट। दूसरा जो बनेगा, मैं इवन टर्म में उठा लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर एक्स 4 एक्स 6 डॉट 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 डॉट। तीसरा मैं रैंडमली उठाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने पहले उठाया माइनस एक्स, फिर उठाया माइनस एक्स क्यूब, फिर उठा लिया x की 6, फिर उठा लिया माइनस एक्स की 9, फिर उठा लिया x की 20 डॉट डॉट डॉट, ऐसे इरेगुलर इंटरवल के ऊपर।
तो इरेगुलर इंटरवल के ऊपर भी मैं उठा सकता हूँ सीक्वेंस के टर्मों को, रेगुलर भी उठा सकता हूँ। मैंने यहाँ इवन टर्म्स को उठाया था, यहाँ यहाँ ऑड टर्म्स को उठाया था। अगर मैं इसका लिमिट फंक्शन देखूँ, इसका लिमिट फंक्शन क्या होगा? देखो एक बार तो वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ये है जो इसको बोला जाएगा माइनस एक्स है, इसका जो लिमिट फंक्शन आएगा एक तो आएगा जीरो अगर एक्स है जीरो से लेके वन से लेस, और आएगा माइनस वन अगर एक्स है वन। इस सीक्वेंस का लिमिट फंक्शन क्या आएगा? क्योंकि अगर ये देखा जाए ना, ये एक्स की एन नहीं है, ये है एक्स की टू एन माइनस वन है। ये देखा जाए ना, ये कितना है सीक्वेंस, ये है एक्स की टू एन है। इसका लिमिट फंक्शन आएगा जीरो अगर एक्स है जीरो से लेके वन से लेस, और वन आएगा अगर एक्स है वन के इक्वल। लेकिन इस सीक्वेंस का ना लिमिट फंक्शन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये ऑक्सीलेटिंग है, नेगेटिव पॉजिटिव दे रहा है टर्म में, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, कहता है देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ एफ एन। यस, क्योंकि ये सब सीक्वेंस है, ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है इस लिमिट फंक्शन पे, ये सब सीक्वेंस है इस फंक्शन में पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सेकेंड ऑप्शन में कहता है एफ एन हैज नो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, गलत, मेरे पास दो एग्जाम्पल पड़े हैं सामने। थर्ड कहता है एफ एन कन्वर्जिज पॉइंट वाइज एवरीवेयर। देखो जब आप x को 1 लोगे ना, तो जो आपका सीक्वेंस बनेगा माइनस वन की n बनेगा सब सीक्वेंस, और ये कन्वर्ज नहीं करता, नॉट कन्वर्जेंट, ऑक्सीलेट करता है ये। तो एफ एन कन्वर्जिज पॉइंट वाइज एवरीवेयर कट जाएगा। फोर्थ कहता है एफ एन हैज एग्जैक्टली वन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कि एफ एन का है ना बिल्कुल एक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, दो तो मैंने यहां दिखा दी, तो ये भी गलत है। तो ओनली ऑप्शन फर्स्ट ट्रू है। आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं आप लोगों को CSIR नेट JRF से रिलेटेड और भी वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। Thank you very much.